वसीभूत हो जाते हैं ना, तब ये उसको मंथन कर देते हैं। इंद्रियों के विषयों को आदर देने से, मन के विषय को आदर देने से ये प्रमथन स्वभाव वाले हैं दोनों। इनके विषयों को आदर देने से होता है। अगर आदर न दिया जाए तो इनमें ताकत नहीं है खुद में। ये जो मनुष्य वशीभूत होता है वो स्वयं ही उसको आदर देकर होता है। ये आदर नहीं, ये इसमें शक्ति नहीं है, इनको शक्ति ये खुद ही देता है, महत्व दे देता है, सब कुछ फंस देता है। जिसमें महत्व देता है उसी में फंसता है। आप देख लो, नहीं रुपयों को देता है तो रुपयों के लोभ में परमात्म भर जाता है, कुटुंब को देता है तो उसके मोह में भर जाता है, भोगों में देता है तो उसमें अशुद्धि हो जाती है, आराम में देता है तो आलस में भर जाता है। जहाँ ये महत्व देता है वहाँ ये भर जाता है। तो महत्व इसका दिया हुआ ही भर जाता है, और ताकत नहीं है। जो मार देता है लोभ में भर जाता है, झूठ का बड़ कबड़ सब कर देता है। जो किसी में महत्व देता है उसी मजबूत हो जाता है। ऐसे भगवान को महत्व देता है भगवान हो जाता है, भक्त बन जाता है। वो जो मार देता है बोध बन हो जाता है। जहाँ ये बहुत महत्व है वही भर जाता है। ये सब राधे मंथ में लोग रहते हैं सारे ऊपर। जिस किसी में ही अब चोरी है, झूठ का बुट बेईमानी है, इसमें महत्व देता है, धीम भर जाता है। ताश तो ऊपर खेलने में फंस जाता है, मैं जो काम भूल जाता है असली काम भूल जाता है, खास काम भूल जाता है। ये बात सीधी बात है। अगर ये विवेक को आदर दे तो क्वार्थ उन्नत हो जाता है। थोड़ा भी विवेक को आदर दिया है तो आप इतनी जल्दी आ गए, बैठ गए, सत्संग करने लग गए, रुचि हो जाती है, आ जाते हो। तो क्या कारण है कि विवेक को आदर दिया है, आज को आदर नहीं दिया है, इतना आराम कितना आदर ज्यादा नहीं दिया है। वो आराम ज्यादा आदर दे देगा तो फिर आ नहीं सकेगा, जितने आदर उतर झूठ हो जाएगा, वही प्रश्न हो जाएगा। ये आदर देने का काम न तो मन का है न बुद्धि का है, स्वयं का है, एकदम। ये बात खास समझने की है, पढ़ाई करोगे तो आत्मनिर्णय शुद्ध ऐसा करोगे, अनुभव तो वो है नहीं, सीख जाओगे बातें तो बड़ी हानि होगी। तो स्वयं ही विचार करे, उद्गरे आत्मना आत्मानम न आत्मान अवसादीय, आत्म ही वही आत्मा बंधु, आत्म ही मजबूत आत्मना साफ कह दिया। आप ही अपना बंधु, आप भी अपना शत्रु है, इस बात से अपने आप से अपना आप को उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। संत महात्मा करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, भगवान करेंगे, ये सब ठीक है, परंतु उनको स्वीकार तो आप करोगे तो करेंगे ना। गुरु को भी स्वीकार आप करोगे, भगवान को भी स्वीकार आप करोगे, संत महात्माओं को भी आप उनको स्वीकार करोगे तब ना करेंगे, नहीं कैसे करेंगे। इतने महात्मा हुए, इतने अवतार हुए भगवान की, फिर भी सृष्टि तो ऐसी जन्म में मर रही है। आप जब तक उनका महत्व नहीं दोगे तो तुम ये उद्धार नहीं कर सकेंगे। भगवान ने जीव मात्र को स्वतंत्रता दी है,
तो ये स्वतंत्रता का सदुपयोग करके तारे उद्धार कर रहे, चाहे स्वतंत्रता दे दे, गुरु को दे दे, महात्माओं को दे दे, भगवान को दे दे, किसी को दे दे, तो ये उद्धार हो जाए। अपने आप को भगवान के, गुरु महाराज के, शास्त्र के, धर्म के समर्पित करने में महाराज जी बाधा तो इस मन बुद्धि में पड़े हुए अनंत जन्मों के संस्कार ही तो है। और जो संस्कार तो अपने डाले हुए हैं ना, वे जबरदस्त है नहीं, हमने जिसको महत्व दिया वही हमारे को खेचता है। अब जो संस्कार पड़े उनमें भी जिनको हम महत्व देते हैं उधर ही हम खेचते हैं, इन संस्कारों को महत्व नहीं देते हैं। और तो नहीं पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेगा, वैसा करेंगे। मुख्य हमारा उद्धार हो जाए ये लगन ही कम है, मुख्य बात यही है। और जाए लगन तो भी थोड़ा सा सुख भोग रहे हैं, ये भी आराम भोग रहे हैं थोड़ा सा, ये साथ में रखते हैं। पक्का विचार नहीं, हम तो बस परमात्मा तरफ चलेंगे, कुछ भी हो जाए अच्छा है, ऐसा विचार कर रहे हो बस, अब बस ही करेंगे तो बस हो जाएगा ठीक। ये विचार खुद का ही है, खुद का ही। अब खुद साधु बन जाए तो मुझे कौन मना करे, मर जा, मर जाता है तो मरते में मरने में मना कौन कर सकता है, मर जाता है ऐसा पट्टी जी, मर जाए संसार से मर गए भाई, कौन मना करे भाई बताओ, कहे मना करे, संसार से मर जाए जी, सही मर जाए जी, बात साहब पक्का अपना विचार हो जाएगा। अब अपना तो परमार्थ ही मार्ग में ही जाना है, दुनिया चाहे कुछ भी हो जाओ, निंदा करो, स्तुति करो, आदर करो, निरादर करो, सुख दो, दुख दो, भय रखो, स्नेह रखो, कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं है। ऐसा विचार पक्का स्वयं कर रहे तो कोई मना करने वाला नहीं, कैसे मना करेगा, कोई भी करेगा तो अपना विचार होने पर तो कोई गतिरोध पैदा कर नहीं सकता, कोई नहीं करेगा। ये बात अपनी कच्चाई ही अपने को पसंद करती है, अपने जहाँ हम विचार करते हैं वहीं से उस विचार की विपरीत बातें भी कभी कभी पैदा होती रहती हैं, फिर वो होगा संस्कार तो सब तरह का है, शिथिल नहीं होता, संसार से तो मतलब नहीं, विचार तो अपने अंदर ही पैदा होते हैं। नहीं वो भीतर संस्कार तरह तरह के है ना, संस्कार तो उनको आदेश दे देते हैं ना, दूसरों को पक्का विचार होगी नहीं अब ऐसा ही करेंगे, कुछ भी विचार बनाए, लाभ देखो, हानि देखो, कुछ देखो, हम तो यही करना है, ये दुनिया तो बेचारी सहयोग देने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये मन ही खराब करता है, मन खराब है, मन नहीं स्वयं खराब करता है, मन को स्वयं से देते है, मन विचार कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, करता होता है ना वही करता है, स्वयं पक्का हो जाए तो इंद्रियां, मन और बुद्धि शरीर सब ठीक हो जाते, स्वयं पक्का विचार कर ले तो सब ठीक हो जाते। स्वयं को तो हम जानते नहीं कैसा है, नहीं आप करते हो, ये काम करते हो, मैं करता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, जगता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, यही स्वयं है, यही स्वयं है मेरा, एकदम ठीक बात है। नारायण 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 नारायण, तो स्वयं ही सोचो, वो भी गोपाल की जरूर हो। राम मिति माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 25 जनवरी 1990 को श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ।
राम।